दोस्तों इस बला की खूबसूरत मोहतरमा को देखिए, जिनकी खूबसूरती के आगे करीना कटरीना सब फेल हैं। नाक नक्शे से लेकर आंखों तक हर एक चीज बेहद ही खूबसूरत, और आजकल हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और दुबई तक के मर्द लगातार गूगल पर इनका नाम सर्च कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इन्हें शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया है, पर अफसोस कोई चाह कर भी इन्हें अपना नहीं बना सकता, क्योंकि इनकी जिंदगी बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। बचपन से लेकर जवानी तक एक लड़की की तरह जिंदगी जीने वाली इन मोहतरमा को देख कर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये कभी लड़का हुआ करती थी। दोस्तों जिन मोहतरमा को आप देख रहे हैं, इनका नाम तलाश जान है और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर है। जी हाँ, ये किन्नर है। इनकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इसलिए मेरे साथ यानी वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें। दोस्तों किन्नर एक ऐसा शब्द है जिसे लोग बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। हर कोई इनके अस्तित्व से दूरी बनाकर रखना चाहता है। किसी को पसंद नहीं कि कोई उन्हें किन्नर कहे, क्योंकि लोग इसे गाली की तरह लेते हैं। लेकिन जो लोग सच में किन्नर होते हैं, क्या कभी किसी ने सोचा है कि उन्हें अपने लिए हिजड़ा शब्द सुनकर कैसा लगता है, उन्हें कैसा महसूस होता है जब लोग उनसे दूरी बना लेते हैं, और या जिनके भी करीब जाएं लोग इन्हें धुतकार देते हैं। कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता, लोग जितना हो सके उतना किन्नरों से दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी किन्नर भी है जिसे कोई चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अरे नजरअंदाज तो छोड़िए, लोग बढ़ चढ़कर इनकी तरफ दिलचस्पी लेते हैं, और हर मर्द इसे एक ना एक बार मिलना चाहता है, क्योंकि इंटरनेट पर सेंसेशन बनकर तहलका मचाने वाला ये किन्नर पाकिस्तानी किन्नर है। जी हाँ, जो दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों इसका नाम तलाश जान है और दुनिया इन्हें मैडम तलाश जान के नाम से पुकारती है, जो दिखने में तो वाकई किसी हुस्न की परी की तरह लगती हैं। लेकिन दोस्तों ये ना ही कोई महिला है और ना ही पुरुष, असल में ये किन्नर है जिन्हें लोग हिजड़ा भी कहकर बुलाते हैं। वैसे ये शब्द बोलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अधिकतर इन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। पर दोस्तों मैडम तलाश जान आज जैसी दिखती है या पहले वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। पाकिस्तान में जन्मी इस किन्नर के परिवार वाले ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि ये किन्नर है, बल्कि इन्हें एक लड़के की तरह पाला पोसा गया। इनकी पैदाइश से लेकर 12वीं कक्षा तक ये पूरी तरह से लड़के की वेशभूषा में रहती थी, और कभी इनके अंदर का किन्नर इन्हें सजने सवरने या फिर लटके झटके दिखाने के लिए कहता था तो इनके पिता उस चीज के सख्त खिलाफ थे। वैसे तो इनकी माँ बाप को ये बात पता थी कि उनका बेटा किन्नर है, लेकिन बिरादरी के डर से उन्होंने अपनी जुबान बंद रखी और इस बात को नकार देने में ही अपनी भलाई समझी। पर वो ये भूल गए थे कि जिस बिरादरी के डर से वो अपने बेटे की खुशियों को दबा रहे हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा। असल में दोस्तों जब मैडम तलाश जान ने 12वीं की कक्षा पास करी, तब किन्नरों के समुदाय को इनके बारे में पता चला। किन्नरों का समुदाय इनके घर पहुंचा ताकि इन्हें अपने समुदाय के लोगों में शामिल करा सके, लेकिन मैडम तलाश जान के माता पिता ने किन्नरों को साफ मना कर दिया और बोला कि यहाँ कोई किन्नर नहीं है, ये हमारा बेटा है। हालांकि बाद में इनके परिवार वाले इन्हें किन्नर के समुदाय में सौंपने के लिए तैयार हो गए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में रहकर मैडम तलाश जान ने मौत के कुएं में काम करना शुरू किया। जी हाँ, वही मौत का कुआं जो अक्सर मीना बाजारों में लगता है, जिसमें जान का खतरा होता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए लोग उस खतरे को भी भुला देते हैं। हालांकि जब ये मौत के कुएं में काम कर रही थी, तभी इनकी खूबसूरती को देखकर एक व्यक्ति ने इनकी तस्वीर खींची और फेसबुक पर पोस्ट कर दी। बस फिर क्या था, यहीं से ये वायरल हो गई। लोग धड़ाधड़ इनकी खूबसूरती के कायल हो गए और इनकी तस्वीरों को शेयर करने लगे। रातों रात ये सोशल मीडिया पर स्टार बन गई। इन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी जल्दी लोग इन्हें इतना ज्यादा पसंद कैसे करने लगे। इनके इतने ज्यादा चाहने वाले हो गए थे कि अब ये मौत के कुएं में काम नहीं कर पाती थी, इसलिए इन्होंने शादियों में नाचना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि बला की खूबसूरत इस तरह की किन्नर अगर किसी शादी में नाचेगी तो चर्चाएं तो होंगी ही। लोग ज्यादा से ज्यादा इनकी वीडियोस बनाने लगे और इंटरनेट पर डालने लगे, जिससे लोग खूब पैसा भी कमाते थे। तभी मैडम तलाश जान को लगा कि जब मेरे हुनर से दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। इसलिए इन्होंने भी वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पर डालनी शुरू कर दी, जो देखते ही देखते वायरल होती चली जाती थी, और जिस वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत और दुबई जैसी जगहों पर भी इनके चाहने वाले बढ़ने लगे। और अब तो आलम यह है कि इन्हें इंटरनेशनल तौर पर शादियों के लिए निमंत्रण आते हैं, ताकि ये अपनी उपस्थिति दिखाएं और समारोह रंगीन कर दें। वैसे आपको बता दें कि मैडम तलाश जान तो खूबसूरत हैं और इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर भी कहा जाता है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से ऐसे किन्नर हैं जिनकी खूबसूरती देखकर आप भी उनके कायल हो जाएंगे। पर दोस्तों कितने दुर्भाग्य की बात है ना कि जिन किन्नरों की खूबसूरती के बारे में हम इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, वो अगर सामने आ जाए तो हम घबराने लगते हैं, जैसे कि यह हमें खा जाएंगे। अगर सच माने तो आधे से ज्यादा दुनिया किन्नरों को इंसान समझती नहीं, पर फिर भी कोई इनके मुंह पर
इन्हें कुछ नहीं कहते। यहाँ तक कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी इन किन्नरों से दूर ही रहते हैं और ये जो मांगती हैं इन्हें दे देते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी है कि दुनिया भर से घूस लेने वाले पुलिस ऑफिसर्स क्यों इन किन्नरों के सामने फीके पड़ जाते हैं? असल में दोस्तों ये कहा जाता है कि किन्नरों के मुंह से निकली हर बात सच होती है। ये अगर किसी को सच्चे दिल से दुआ दे दें तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, लेकिन अगर इन्होंने किसी को बददुआ दे दी और ये किसी के सामने से नाराज होकर चली गई तो उसका बुरा वक्त वहीं पर शुरू हो जाता है। इसलिए लोग इनसे बहस नहीं करते और इन्हें खुशी खुशी अपने घर से भेजने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्तों आपका किन्नरों के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।